हेलो हेलो हेलो, और कैसे आप लोग? वेलकम टू माय चैनल देसी ऑस्ट्रेलियन ड्रीम्स। ईशा, हाय। अच्छा, और सब शुभ मंगल। आज सैटरडे है और बहुत अच्छा दिन है, काफ़ी सनी है। आज चश्मा पहना हुआ, बात कर रहा हूँ मास्क के साथ में ना, तो चश्मे में पूरा पानी भरा, वो धुंधला धुंधला हो गया। तो आज हम जा रहे हैं सेटागया पार्क। ये एक जापानीज पार्क या गार्डन है ऑस्ट्रिया में, और हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी स्प्रिंग का टाइम आ चुका है और स्प्रिंग के कलर्स दिखने लग गए हैं। स्पेशली चेरी ट्रीज ना पिंक पिंक दिखता है तो अच्छा लगता है। तो ये सुना था कि एक छोटा सा पार्क है सेटागया करके, जो जापानीज पार्क है, तो इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पे बोला था कि बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। और यहाँ से वहाँ जाने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। एक है आप U4 ले लो, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, 30 मिनट लगता है बट 12 मिनट वॉक है। दूसरा है ट्रैम यूज़ करो, और ट्रैम डी लाइन करके है तो वो यूज़ कर सकते हो, और वो 40 मिनट लगेगा बट अराउंड 7 मिनट का वॉक है। हम वो ऑप्शन लेंगे क्योंकि बाहर खुला खुला होगा, दिखेगा, इवन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट हम वो यूज़ करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि U2 और एक और बस है या ट्रैम है, 37 लाइन कॉम्बिनेशन, ज़्यादा टाइम लगेगा पर कम वॉकिंग है, तो हम लेंगे डी ट्रैम। तो मैं तो आपको दिखा दूँ, मेरे घर के पास भी ना ट्रीज के कलर्स देखिए कैसे हो गए हैं। तो इस तरह पिंकिश हो गया है ना कुछ कुछ ट्रीज, तो यही देखने में जा रहा है। अब मिलते हैं आपको, मैं जैसे जैसे अपडेट होता है आपको बताता हूँ। तो अभी हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में हैं, यहाँ से डी लाइन मिलेगी और डी लाइन लेके हम उठेंगे गुनोल्ड क्रॉस से। मैं बस ये रोड क्रॉस करके, सामने घोड़ा दिख रहा है आपको, घोड़ा गाड़ी बहुत है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। हमें जाना है डी लाइन पे, जो 3 मिनट में आएगी। तो यहाँ पे जगह जगह पे नहीं, जहाँ पे भी बस स्टॉप है मोस्टली या तो इस तरह लिखा होता है कि कौन सा स्टॉप है, या फिर इस तरह लिखा होता है। तो देख सकते हो कि डी लाइन आने वाली है 6 मिनट में, और इसमें व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है। तो अब वहाँ यहाँ बैठ के जाएंगे, देखता हूँ पर टाइम लैप्स स्टार्ट कर सकेंगे नहीं, बट वहाँ पहुँच के ज़रूर बात करेंगे।
तो हम गुनोल्स्ट्रा से पहुंच गए। अब यहाँ से हमें पार्क फाइंड करना होगा। यहाँ से 7 मिनट का रास्ता, 500 मीटर दिखा रहा है, तो अभी मैप फॉलो करते करते वहाँ जाएंगे हम। तो हम नियरली पहुंचने वाले हैं, राइट साइड में हम नियरली पहुंचने वाले हैं पार्क में। और इस तरह दिखता है, अभी एंट्री हुआ नहीं है, थोड़ा चढ़ाई थी उसके ऊपर, थोड़ा हाँफ गए थे, बट अभी पहुंच गए। व्हाट इज दैट? तो पार्क का नाम है सेटा गया पार्क। और ये एंट्रेंस, बहुत भीड़ है। ये पार्क बनाया गया था 1992 में जापानीज गार्डनर ने बनाया था। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट है 90 डिस्ट्रिक्ट डॉबलिंग, ये जापान में सेटा गया नाम का एक सिटी है, टोक्यो में ही है शायद, तो उसका ट्विन सिटी है डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर कल्चर एक्सचेंज के लिए वो जापानीज गार्डन ने पार्क बनाया है। देखिए कैसा लगता है ये ट्री। और यहाँ पे एक ब्रिज भी है छोटा सा। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमें कहा गया था कि सैटरडे संडे को हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगा। छोटा सा पॉन्ड है, रही है मम्मा, फोटो ले रही है। हम देखने आए थे यहाँ पे ये
तो ये था पार्क, सेटागया पार्क। छोटा सा पार्क था, बहुत छोटा सा। बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। और अगर भीड़ नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता है, बट स्टिल अच्छा, बहुत क्यूट पार्क है ना। आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आ सकते हो, या फिर सुबह जल्दी आओ ना तो सुकून मिलेगा अगर कोई भीड़ नहीं हो तो। अभी तो हालांकि बहुत शूटिंग वीडियो सब चल रहा है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑफ विद द सन।